नीतीश जी इस तरह के नहीं थे, लगता है या तो उनके ऊपर उम्र हावी हो गया है या फ्रस्ट्रेशन नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत। क्या हाथ से सरकती सत्ता को लेकर के नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं? जिस तरीके से बिहार विधानसभा में वो विपक्ष के नेता विजय सिन्हा पर भड़के, उसके बाद कुछ इसी तरीके की बातें होने लगी हैं। दरअसल उन्होंने जो 2024 और 2025 की बात कही है, यानी 24 का चुनाव वो देखेंगे और 25 का तेजस्वी, उसके बाद पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। यहाँ तक कि महागठबंधन के अंदर भी चर्चा हो रही है और वो फ्रस्ट्रेशन में आते दिख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। जरा सुन लीजिए। देखिए, बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री अपने जिद पर बिहार को शराब के कारण मौत का कुआं बना दिया। लोग अपराध में संलग्न हो रहे हैं। शराब उस तरह का हो गया है जैसे भगवान सब जगह होते दिखते नहीं, उसी तरह से नीतीश कुमार को शराब दिखता नहीं लेकिन शराब हर जगह मिलता है। नीतीश कुमार इस बात को स्वीकारते नहीं हैं। अब समय आ गया है अपने जिद को छोड़ें, सभी पार्टियों को बुलाएं और शराब की नीतियों पर पुनर्विचार करें और राज्य की जनता से भी राय लें और फिर एक नई नीति बनाएं। देखिए, मुझे नीतीश कुमार जी के साथ मैं काम किया हूं, उनके मंत्रिमंडल में मैं मंत्री रहा हूं, मुझे उन पर दया आ रहा है। ये नीतीश जी इस तरह के नहीं थे, लगता है या तो उनके ऊपर उम्र हावी हो गया है या फ्रस्ट्रेशन जिस कैबिनेट में वो काम कर चुके हैं। नीतीश कुमार को जितना गुस्सा आ रहा है उससे साफ झलक रहा है कि वो फ्रस्ट्रेशन में है, कुछ दिक्कत है उनको। सामान्य तौर पे नीतीश कुमार जब मीडिया से या विधानसभा में बात करते हैं तो संयत रहते हैं और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बात तेजस्वी यादव पे ऐसे भड़के थे और इस बार वो विजय सिन्हा पे भड़के। यूं तो विजय सिन्हा से, जब वो विजय सिन्हा स्पीकर थे तब भी नीतीश कुमार की नहीं पटी थी और वो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही स्पीकर पे भड़क गए थे कि ऐसे सदन नहीं चलेगा, वो भी आपको याद होगा। और बार बार लखीसराय में हुई घटना का, क्राइम का जब हवाला देते थे विजय सिन्हा तो वो उखड़ जाते थे। अब क्या है कि विजय सिन्हा प्रतिपक्ष के नेता हैं और ये मुख्यमंत्री हैं, प्रतिपक्ष का काम होता है सीएम
उनको घेरना और जब उनकी सारण में हुई 21 मौत जहरीली शराब पीने से उसको लेकर के घेराबंदी हुई तो फिर वो बमक गए, गुस्से में आ गए और न जाने तुम तुम्हार क्या क्या कह डाला, जिसको लेकर के अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बात और कुछ नहीं बल्कि वो फ्रस्ट्रेशन। रहिए न बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।